हैदराबाद में महिला डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से हत्या के मामले को लेकर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर स्टूडेंट ने आज कैंडल मार्च निकाला। पैदल कैंडल मार्च कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सैकड़ों की संख्या में कैंडल मार्च निकालकर स्टूडेंट ने मृतक महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट ने कहा कि रेप जैसे मामलों में सख्त कानून बनाकर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा जो कैंडल मार्च आज हमने निकाला है वो इसी के लिए निकाला है कि इसके माध्यम से हम पूरे जन जागरण को एक मैसेज दें कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, और इसके साथ साथ सरकार भी कोई ठोस कदम उठाए और ये एक पूरे समाज की भागीदारी हो इसमें, ताकि वो जो वुमेन के लिए जो सही जो उसकी जगह है वहाँ पे वो उसको पहुँचाए। और इसके साथ साथ हैदराबाद के जो मिनिस्टर ने एक बयान भी दिया है, हम उसको भी कंडेम करते हैं कि जिसमें उन्होंने वुमेन को ही उसका एक्यूज्ड को ही उन्होंने दोषी ठहराया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करे, ना कि उनको ही क्रिटिसाइज करे। तो हम उसको भी कंडेम करते हैं और पूरे समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और इसमें जन भागीदारी हो। कि भाई आपको दूसरे की बहन बेटी किस नज़र से देखना है, क्या आपको दूसरे के साथ व्यवहार करना है, आपको समाज में रहना किस तरीके से है। जब तक सेक्स एजुकेशन प्रॉपर नहीं होगी ना समाज में, तब तक ऐसा चलता रहेगा। तो सबसे शुरुआत, जो बेसिक शुरुआत है, अपने घर से करनी पड़ेगी। जब तक इंसान दूसरे को ये नहीं सिखाएगा, अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएगा भाई वो भी किसी की लड़की है, वो भी किसी की बहू बेटी है, तो कहाँ से आदमी सीखेगा। जब आप घर से शुरुआत कर दोगे ना इन सब चीज़ों की, एडोलेसेंस क्या है, प्यूबर्टी क्या है, इन सब चीज़ों का आप ज्ञान दोगे बच्चों को, तो उनमें समझ रहेगी, तब उनके दिमाग में। और सबसे और अभी इमीडिएट क्या कर सकते हैं कि ऐसा एग्जांपल सेट करना चाहिए सरकार को जस्टिस के साथ, कि आगे, क्योंकि अब तक कुछ ऐसी उपज हो चुकी है, ऐसी जनरेशन आ चुकी है, तो जो नहीं आएगी उसके लिए मैंने बता दिया, पर जो अब है ऐसी उसके लिए एग्जाम्पल ऐसा सेट होना चाहिए कि आगे से कोई बंदा करने से पहले 100 बार सोच ले दिमाग में।